लोकसभा चुनाव का परिणाम तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले लोग अब बताने लगे हैं कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है, हिंट क्या दे रहे हैं, कौन आएगी और कौन जाएगा। देखिए अनामिक सिंह काली हमारे सहयोगी की रिपोर्ट कानपुर से। कानपुर में चौथे चरण में मतदान होना है, लेकिन उसके पहले यहाँ की जनता यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर पार्टियों को लेकर क्या दे रही है संकेत, आइए जानते हैं कानपुर की जनता से यहाँ को लेकर क्या हिंट देंगे आप। यहाँ पे दोनों की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी बहुत मतों से जीतेगी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हमारे मोदी जी ने इतना, योगी जी ने इतना काम किया है, वो धरातल पे नजर आ रहा है। कानपुर के बहुत सारे मुद्दे हैं, व्यापारियों की सुरक्षा, जीएसटी से लेकर के सुरक्षा के साथ ट्रैफिक की व्यवस्था, गंदगी, बहुत सारे मुद्दे हैं। लगता है आपको कि किसी पार्टी के एजेंडे में है ये, कौन सी पार्टी ज्यादा काम करेगी? भाजपा करेगी, भाजपा कर भी रही है। समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशी भी मैदान में है और बीजेपी के भी है, दोनों के प्रत्याशी है यहाँ पे। लगता है चुनौती बनेगी बीजेपी? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जब ये बसपा और सपा साथ मिलकर के लड़े तब तो हम लोग जीते हैं, अब तो अलग अलग है, अब तो कुछ भी नहीं होना। अब तो आप समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो है जीत होगी कानपुर की। लोग तो कह रहे हैं प्रत्याशी नए उतारे गए, रमेश अवस्थी वो यहाँ के रहने वाले नहीं। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, नया पुराने से उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो है मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। इस बार के कानपुर के चुनाव में क्या देख रहे हैं? 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतेगी कानपुर की सीट। क्यों? क्योंकि इतने काम हुए, जो विकास हुआ वो कोई कर ही नहीं सकता था, और साफ सजूदा सब एक साथ, मोदी जी योगी जी अलग। लोग तो कह रहे हैं कि कानपुर में गंदगी बहुत है, ट्रैफिक की व्यवस्था। दिखाई दी गंदगी आपको? गंदगी दिखाई दी कहीं? शिकायत करें विपक्ष के लोग? अरे विपक्ष का काम ही यही है, विपक्ष का तो काम यही है कि गंदगी है वो है, दिखाएं तो गंदगी कहाँ है। तो आप हिंट दीजिए कौन जीतेगा? अरे रमेश अवस्थी।